भागलपुर पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत एक सराहनीय पहल करते हुए 30 मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिनकी कीमत लगभग 4.5 लाख रुपए बताई जा रही है। शुक्रवार को CTSP राज ने बरामद किए गए मोबाइल फोन को उसके असली मालिक को लौटा दिया। दरअसल यह पहल पुलिस मुख्यालय के निर्देश अनुसार शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य चोरी हुए मोबाइल फोन को ढूंढना और उन्हें उसके सही मालिकों तक पहुंचाना है। वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार और पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में DIU की टीम और थानों ने मिलकर ऑपरेशन मुस्कान के तहत संयुक्त अभियान चलाया। गौरतलब हो कि भागलपुर पुलिस ने वर्ष 2023 में 304 मोबाइल फोन और वर्ष 2024 के प्रथम चरण में 25 मोबाइल फोन बरामद किए थे, जबकि आज 30 मोबाइल फोन बरामद किया गया है। पुलिस ने अब तक ऑपरेशन मुस्कान के तहत कुल 359 मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिनकी कीमत लगभग 50 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं खोए हुए मोबाइल फोन मिलने से कई लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे। लोगों ने पुलिस की इस पहल की भरपूर सराहना की है। पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार ऑपरेशन मुस्कान जो चलाया जा रहा है, जिसमें गुम हुए मोबाइल की हम लोग प्राप्ति कर उनके स्वामित्व को सौंपते हैं। इस बार कुल 25 मोबाइल सौंपा गया है और अब तक कुल 384 मोबाइल, इसकी कीमत लगभग 60 लाख रुपए है, इसको हम लोगों ने उनके स्वामित्व को सौंपा है। इस बार एक लगभग काफ़ी महंगा मोबाइल भी तकरीबन 1 से 1.5 लाख रुपये की मोबाइल भी थी, तो उनके द्वारा भी बहुत धन्यवाद प्रकट किया गया है। इसमें हमारी टीम लगी हुई थी, DIU की टीम और थाना की टीम, और लोगों से भी अपील है कि अगर मोबाइल उनका गुम हो जाता है तो तुरंत सूचना थाना को दें, और अगर किसी तरह की समस्या होती है तो उसमें हम लोग का जो सरकारी नंबर उपलब्ध है उस पर हम लोग सूचित करें। उनकी जो है मोबाइल खोजने का हम लोग प्रयास करेंगे और जल्द से जल्द उनके मोबाइल को रिकवर करके उन तक हम लोग पहुँचाएंगे। आज कुल 25 मोबाइल हम लोग देने के वितरण करने के लिए रखे हुए थे, इसमें से कुल 20 लोग आए हैं, इनको दिया गया है और बाकी भी अन्य मोबाइल भी जो है उनको अगले चरण में सौंप दिया जाएगा। सत्रह जून को होने वाले बकरीद पर्व को शांतिपूर्ण और भाईचारे के माहौल में मनाने के लिए शुक्रवार को सुल्तानगंज थाना परिसर में थानाध्यक्ष प्रियरंजन की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में वीडियो संजीव कुमार, नगर सभापति राजकुमार उर्फ गुड्डू, पंचायती राज पदाधिकारी नीलिमा कुमारी और बिजली विभाग के SDO मौजूद रहे। इसके अलावा सामाजिक संगठनों, सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और मस्जिदों के सचिवों ने भी बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में 17 जून को होने वाले बकरीद पर्व के दौरान सुरक्षा व्यवस्था और शांतिपूर्ण आयोजन को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। सुल्तानगंज थाना अध्यक्ष प्रियरंजन और BDO संजीव कुमार ने बताया कि बकरीद के लिए सभी तैयारियां पूरी की जा रही है। बैठक में जदयू प्रखंड अध्यक्ष सदानंद कुमार, सांसद प्रतिनिधि पवन केसान, महिला जदयू प्रखंड अध्यक्ष प्रेम प्रभा सिन्हा, वार्ड पार्षद सरिता देवी, रूबी देवी, विनोद रजक, विभूति यादव, नवीन कुमार बन्नी, प्रमोद कुमार, प्रियंका कुमारी सहित अन्य राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और पुलिसकर्मी मौजूद रहे। 6:30 बजे से नमाज का वक्त निर्धारित है, उससे पूर्व से ही पुलिस की व्यवस्था चारों तरफ रहेगी और पेट्रोलिंग की व्यवस्था रहेगी और इस तरह से समय एकदम शांत। 16 जगह मस्जिद है हमारे क्षेत्र में, हर जगह नमाज होती है, हर जगह पुलिस की व्यवस्था है, गश्ती दल का अलग से व्यवस्था है। इस तरह से थाना में हम मौजूद हैं, ईद जुहा के मौके पर जो बुलाई गई है, इसलिए हम लोगों ने थाना में ये निर्णय लिए हैं कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हर्षोल्लास के साथ सभी समुदायों के साथ अच्छे ढंग से, अच्छे वातावरण में, अच्छे सौहार्द में मनाएंगे, किसी को तकलीफ नहीं होगी, सब का ख्याल रखा गया है। इसके लिए मैं बकरीद के मौके पर एडवांस में सभी को बकरीद मुबारक देना चाहता हूँ। ये पर्व कब से कब तक है? ये पर्व 17 तारीख को होने जा रहा है, 17 जून और ये चलेगा 3 दिन का ये त्यौहार है, और 3 दिन
बहुत अच्छे से अच्छे वातावरण में मनाएंगे। यही मेरा काम है कि लोग अच्छे शांतिपूर्ण तरीके से बकरीद का पर्व मनाएंगे और किसी तरह के दो संप्रदाय में प्रॉब्लम का झंझट नहीं हो, जैसे लाइन का प्रॉब्लम नहीं हो। और ये बिजली खंड को हमने कहा है कि भाई सतत रूप से विवाद रूप से बिजली का हो, नगर निगम परिषद को भी बताया गया कि यहाँ पे साफ सफाई की व्यवस्था हो, तो समुदाय के लोगों द्वारा बताया कि 17 तारीख को यहाँ नमाज अदा की जाएगी और वो 6:30 बजे शुरू होगी और लास्ट में सही मंथ तक 8 बजे तक जाएगी। हम लोग इनमें मूवमेंट में रोक रहेंगे ताकि जिस तरह कोई मतलब जब भी घटना का समय से इनका कम चाहिए।